अस्सलाम वालेकुम। ये एक टन की ग्रीकी किट है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि कंप्रेसर जो ही स्टार्ट होता है थोड़ा सा आप आरपीएम अप होते हैं तो फौरन ही बंद हो जाता है। एरर कोई नहीं आता इसमें। ये हमने पूरा सेटअप इसका लगा लिया जी। अब हम इसको पहले चला कर टेस्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद हम इसको देखेंगे इसमें कौन सा फॉल्ट है और किस तरह रिपेयर किया जाता है, ये मैं आपको इसमें बताता हूँ जी। ये अब हम चलाते हैं इसको, ये देखें। ये जैसे ही प्लग इन मैंने ये कर दिया, ये देखें, ठीक है जी, ये आ गया। ये मैंने इसको रिमोट से कर दिया ऑन, ठीक है जी, ये रिमोट से ऑन हो गया। अब ये कुछ टाइम के बाद चलेगा, जो ही चलता है तो इसका कंप्रेसर ये लगा हुआ है, ठीक है जी। ये इसकी मोटर ऑन हो चुकी है और कंप्रेसर ये देखें, कंप्रेसर की स्टार्टिंग भी ना ठीक नहीं है इसकी, बिल्कुल स्लो स्लो स्टार्ट होता है, ये देखें। अब कुछ देर के बाद जब इसके आरपीएम ज़्यादा होंगे, जब आरपीएम ज़्यादा होंगे ना, फिर ये बंद होगा। ये देखें ये देखें, आरपीएम आस्ता आस्ता ये आरपीएम बढ़ रहे हैं। ये देखें, ये किट हमारी ऑन है, ये किट ऑन है हमारी, ये देखें, ठीक, ये देखें। अभी आरपीएम इसके जैसे ही अप होंगे, ये देखें, कुछ देर के बाद यूँ ही बंद होगा। ये आप देखें कि इसके आरपीएम जो ही अप होते हैं, ये देखें, ऐसे लोड डाला मैंने, ये देखें, ये देखें, ये उसी वक्त बंद हो चुका है। यूँ ही ये देखें, यूँ ही बंद हो गया। लेकिन इसकी किट पे ये देखें, ये टेम्परेचर कोई भी इस पर एरर नहीं आया इस पर, लेकिन ये बंद हो गया। ये देखें, ये लाइटें ब्लिंक आ रही हैं इसकी एरर की, लेकिन ये देखें इसमें, ये देखें 16 आपको नज़र आ रहा होगा इसका, ठीक है, ये आ रहा है, लेकिन किट ऑफ नहीं हुई, कंप्रेसर ऑफ हो जाता। आप देखते हैं इसमें क्या मसला है। ये जनाब, हमने किट बाहर निकाल ली इसकी, पीसीबी की जो है डब्बे से, इसके कवर से हीट सिंक नीचे से खोल लिया है, ये मुकम्मल बाहर है पड़ी। अब हम मैं आपको ये बताता हूँ कि इस सिलसिले में अगर इस तरह का फॉल्ट आए तो इसमें चेक आपने क्या क्या चीज़ करनी होती है इस मसले में, ये मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखाता हूँ, क्योंकि इधर से आपको सही तौर पर नज़र नहीं आएगी। कोशिश करता हूँ कि इधर से अगर आपको नज़र आ जाए तो बेहतर है, अगर ना आए तो वहाँ पर दिखाता हूँ आपको सारा सिलसिला इसका, मैं क्या मसला होता है इसमें। इसमें चीज़, मेन चीज़, कोई भी आपका इस सिलसिले में ऐसा फॉल्ट आ जाए, कंप्रेसर चल के बंद हो या ऐसा हो मसला, तो आपको कोई भी काम किट आप कर रहे हैं तो आपको ये पहले ये बात पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी चीज़ हम चेक करेंगे और किस जगह लगी हुई होगी तो इसमें फॉल्ट होगा। तो ये देखें, इसमें ये आईसी लगे हुए हैं, ये वाले दो, इसको हमने, इसकी जो असेंबली है सारी ये चेक करनी है। सबसे पहले ये वाली असेंबली चेक करेंगे सारी, उसके बाद 330 ओम की लगी होती है वो चेक करेंगे, इसमें कोई ना कोई फॉल्ट हमें मिल जाएगा। हाँ जी, ये देखें, ये इसमें ना ये लगी होती है 330 ओम की, सबसे पहले हमने ये चेक करनी है कि ये हमारी जो है ये ठीक है या नहीं। ये देखें, ये देखें जी, ये वाली ये चेक करें, मीटर पे रीडिंग देखें, मीटर की लाइट जला लें जरा, ये देखें, ये हमारी जो है ये देखें, ये ठीक है। अब ये चेक करेंगे हम इसके बाद, ये वाली ये देखें, ये भी ठीक है। अब इसके बाद ये चेक करते हैं, ये जो लगी हुई है ये वाली, ये देखें, ये देखें, ये डिवाइडेबल डेड बता रही है, देखें ये डेड है, ये हमारी डेड है किट से, ये देखें, ये असेंबली डेड है। अब हम ये करेंगे चेंज करके, इसके बाद किट को चला के देखते हैं कि किट में क्या प्रॉब्लम है ये और क्या नहीं, ठीक है जी। ये सबसे पहले ये वाली चेकिंग, ये डेड है ना, ये अब निकाल के नहीं लगाते हैं। ये नाम हमने अब कम्युनिकेशन इसकी कर ली, इसको बॉक्स में एडजस्ट करके मुकम्मल कर लिया इसको मैंने। अब मसला इसमें यह है कि इसमें बाकी सारी चीज़ें ओके हो गई। अब मैं इसको चलाने लगा हूँ, चला के देखते हैं कि जो हमें फॉल्ट था वो हमारा क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। अब ज़रा थोड़ी सी साउंड में, आवाज़ में आपको थोड़ी सी शोर आएगा, माजरत, वो इसलिए क्योंकि ये देखें हमने ये फ़ैन नीचे रखा होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर कंप्रेसर हमने ऑन करना होता थोड़ी देर, तो ये मैं रखा लेता हूँ नीचे ताकि आईपीएम हमारा हीट ना हो, ठीक है जी। ये मैंने ऑन कर दी है, जैसे ही ऑन होगी तो मैं उसी वक्त आपको दिखाऊँगा। वो असेंबली हमने चेंज कर दी है जो मैंने आपको दिखाई थी, डेड थी और इसमें कोई काम नहीं किया, बाकी सारी किट ओरिजिनल है, देखें जेन्युइन है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर ऐसा मसला हो, स्टार्टिंग ट्रबल आ जाए, स्टार्ट हो के बंद हो जाए, तो ये जो आईसी मैंने बताया आपको, इसके साथ से ये वाले, इसके साथ वाली जिससे असेंबली चेक करनी है, और वो जो मैंने आपको बताई है वो 6 होती हैं,
वो 6 की 6 आपने चेक कर लेनी। उसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो यही प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें सिर्फ और एक SMD इसकी जो है डेड हो गई थी, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आ गया। अगर किसी भाई ने काम सीखना हो तो वो भी रابطہ कर सकता है, आके हमसे ट्रेनिंग ले सकता है यहाँ पे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। देखिए इतने बंदे आप वीडियो देखते हैं, ये हमारा देखें एक ज़रफ़ देख लें कि हम आपको कोई चीज़ हमसे आपसे कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो हम आपको नहीं बताते, हर चीज़ क्लियर बताते हैं हम आपको। आप कोशिश करके लाइक ज़रूर किया करें। ये देखें भाई, ये कंप्रेसर जो है ये हमारा स्टार्ट अब हो गया है, ये देखें। ठीक है जी, अब इसको तसल्ली से चेक करने का तरीका ये है कि ये हमने देखें ये फ़ैन लगाया हुआ है, ये आपको थोड़ा सा शोर महसूस होगा आवाज़ में लेकिन मजबूरी है। ये देखें ये मैंने ऑन कर दिया, ये देखें किट हमारी चल रही है अब, ये देखें। और अब कंप्रेसर जैसे आपको पहले मैंने दिखाया था शुरू में फ़ौरन बंद हो जाता था, अब ये देखें कि RPM बढ़ गए हैं। ठीक है जी, ये फुल RPM पे चला गया है, ये देखें ये आपको महसूस हो रहा है आपका, और कितनी जल्दी ये RPM इसके फुल। ठीक है जी, ये वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन मैं अब इसको आपको थोड़ी देर चला के दिखा देता हूँ कि अब ये बंद नहीं होगा। ठीक है जी, ये देखें। ठीक है, इसकी जो SMD थी ये मैंने चेंज यू कर दी, ये आपके सामने वो भी आपको दिखा दिए। देखें ये देखें फुल RPM है इसके अब, क्योंकि RPM अगर फुल हो जाए तो ये इस तरह मुझे पता चल सकता है इसे इस तरह के। ये देखें RPM इसके फुल हैं, ये देखें। ठीक है, इसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, देखें काफ़ी ज़्यादा। ये देखें फुल लोड मैंने इस पर डाल दिया अब, ये देखें जी। ठीक है जी, ये देखें। ठीक है जी, ये अब क्रेट हमारी ओके हो चुकी है। ये किट हमारी ओके हो चुकी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दे। वीडियो देखने का शुक्रिया जी। इसके साथ ही जी खुदा हाफज़।